हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और मैं इस सफर में जुड़े हुए हैं जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन को टारगेट करेंगे, देन उसके बाद टारगेट करने वाले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि जब कभी भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो हम लोगों ने हर बार पैटर्न सेम रखा है। पहले हम बात करते हैं क्या इंट्रोडक्शन की, जिसमें मॉलिक्यूल का नेचर हम लोग जानेंगे, प्लस फिर IUPAC नेमिंग के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं प्रिपरेशन मेथड, फिर जानते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में क्या चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी देख ली है, नेमिंग रिएक्शन के रिगार्डिंग भी देख ली, और उसी हमारे पास सीक्वेंस में आज बहुत 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 ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कई लोग कैनिज़ारो रिएक्शन भी बोलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कैनिज़ारो बोलो कैनिज़ारो बोलो, हमें तो मतलब उसके मैकेनिज्म और उसकी रिएक्शन से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो सबसे पहले अगर इस कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें बोल के रखा हुआ है कि कैनिज़ारो रिएक्शंस जो होते हैं वो कौन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, इस कैनिज़ारो रिएक्शन को आपको देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे के रखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, और सेकेंड पॉइंट क्या बोल के रखा हुआ है, बेंजाल्डिहाइड। अब देखो ऐसे सिचुएशन में आप बात करते हो कि सर ये ऐसा अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जरा समझना बहुत आसान है। सपोज अगर मैं यहां पर बनाता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये देखिए ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप ले लूं, सपोज मैंने यहां पर ले लिया है CH3, देन उसके बाद में हमने ले लिया CH2, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहां पर लिया H। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब देखो यहां पर सबसे पहले ढूंढो फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड वाला क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और जो आपके पास अल्फा कार्बन होगा वो जिन जिन हाइड्रोजनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और साथ ही साथ हम लोगों ने बात ये करके रखी हुई थी कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में हाईली एसिडिक। क्लियर हुई बात, बड़ा आसान सा है। अब देखो अब आती है हमारे पास में अगली कहानी। अगली कहानी हमारे पास में क्या है, जैसे ये तो मैंने बता दिया कि ये नॉर्मल एल्डिहाइड में रहा, इसमें ये रहा अल्फा। अब जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहां तुम लोग को दिख रहा है कुछ भी नहीं है हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन। सेम उसी तरह से अगर कभी हम बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, ये रहेगा आपके पास में बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन आपके पास में अटैच होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। पर यहां टॉप मोस्ट पोजीशन पे इस एल्डिहाइड ग्रुप के आने की वजह से जो ये वाला कार्बन होता है ना, इसका हाइड्रोजन हो जाता है रिमूव। यहां पर अगर बात की जाए ये क्या है मेरे पास में, ये है अल्फा पोजीशन वाला कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो फॉर दैट रीजन यहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस वाले होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, ये क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। केस नंबर वन। अब देखो अब केस नंबर टू पे बात करते हैं। केस नंबर टू बोलता है कि यहां क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो याद करो तुम, जस्ट पहले हम लोगों ने इसके एक जो चैप्टर पढ़ा था एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, वहां पे क्या लिया था, डाइल्यूट बेस लिया था, जबकि यहां पर क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड बेस में क्या होगा, KOH का अमाउंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स ज्यादा OH नेगेटिव मिलेगा, इसलिए क्या बोल के रखा है इसे,
इसे बोल के रखा हुआ है हाईली बेसिक। हाईली बेसिक वाले के साथ में क्या करते हैं, यहां पर हम प्रोवाइड कर देते हैं हीट। जब दोनों कॉम्बिनेशन को यहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर इन सभी के बाद में बनती है जनरल केमिकल रिएक्शन। अब देखो जनरल केमिकल रिएक्शन क्या बनने वाली है, यहां पे इस रिएक्शन में इस पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये आईएमपी पॉइंट है, इसलिए देखो हमने स्टार भी लगा के रखा हुआ है कि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और जब कभी भी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट जो आप लोग पढ़ते हो तो वो यहां तक काम आता है। और ये ध्यान रखना, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है ना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये क्या चलता है मेरे पास, एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन चलता है। अब देखो क्या हुआ, यहां पे आपके पास में दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेके रखे हुए हैं जो कि क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपने कंबाइन करा तो इसके साथ में क्या करा है, पहले स्टेप में तो कंसेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर उसको कंबाइन कर दिया। सेकेंड बार में क्या करा, उसको हीट करा। हीट करने पर क्या होगा, आपको एक सॉल्ट मिलता है COO और OK। ये देखो एक हाइड्रोजन सपोज गया और उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास में, OK आ गया। OK में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा पोटेशियम, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निकला था। और दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास में, मेथेनॉल बन रहा है। अब देखिए रिएक्शन, रिएक्शन देखो, रिएक्शन कितनी आसान सी है। सपोज अगर मैं इससे ये बना रहा हूं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन था, अब दो ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास में ऑक्सीडेशन। पर वहीं अगर सपोज मैं ये बोलता हूं कि इस ग्रुप से मैं इस ग्रुप में आ रहा हूं, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये परफॉर्म करता है आपके पास में रिडक्शन। ठीक, क्लियर हो गई बात, बहुत इजी सा है। एक ही केमिकल रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म हो रहा है, रिडक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। सो फॉर दैट रीजन ये किस कैटेगरी में आता है, रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, एक ही साथ सब कुछ चल रहा है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर इस पॉइंट को लिखा गया है। क्लियर हो गई बात, चारों पॉइंट बहुत आसान है। पहला पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है, अल्डिहाइड वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सिर्फ वही कानिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना, हाईली बेसिक प्लस हीट। तीसरा पॉइंट जो जनरल रिएक्शन थी वो ये है, जिसमें इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है कि यहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। क्लियर हो गई बात, अब देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक, अब इसे कर देते हैं इरेज, फटाफट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास में है मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म क्या बोलता है जरा समझ लो बहुत अच्छे से। आपके पास में रखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड की एक सिंगल यूनिट और इसको मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे कि आपको एक इंटरमीडिएट मिला जो कि ओ नेगेटिव यहां पे है। ठीक है, अब जरा समझना इस बात को कि यहां पर क्या कंडीशन हो रही है। आपके पास जब फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है ना, तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है यहां पर, ये ऑक्सीजन बड़ा ही धोखेबाज होता है। अगर ये धोखेबाज है तो इसकी धोखेबाजी कुछ ऐसी होती है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर लेकर जाएगा। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इधर लेकर जाता है तो इस पर आती है नेगेटिविटी, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी। और ये धोखेबाजी के रिगार्डिंग क्या बताया था मैंने, याद करो, धोखेबाजी के रिगार्डिंग मैंने ये बताया था, जब कभी भी ऐसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर हम बोलते हैं सर कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड को हम लोगों ने बोला था क्या कि ये जो होते हैं वो क्या होंगे, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो सर लूजली बॉन्डेड मतलब क्या, कि बोले ऐसा कैसा लूजली बॉन्डेड है, बोले हमारी मर्जी, बोले किसी दिन हम सर नाड़ा लाके कस देंगे या किसी दिन उसका बेल्ट कस देंगे तो क्या वो टाइट हो जाएगा क्या, तो नहीं।
लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बोलने भर की टर्म रहती है, जबकि रियलिटी यहां पर यह होती है, जरा समझना, कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात की जाती है ना, तो पाई बॉन्ड को बनाते समय जब जिन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ज्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बस एक की पॉइंट को याद रखना कि हाई एनर्जी क्या करता है, इसको अनस्टेबल बना देता है। तो बस ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, अगर हाई एनर्जी इसको अनस्टेबल बनाता है तभी यहां पे पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करके कहां चले जाते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगली बार से कोई भी बोले लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो आपके मन में यह थॉट नहीं आना चाहिए कि सर लूजली बॉन्डेड है तो नाड़ा बांध के या बेल्ट बांध के उसको टाइट कर देते हैं। आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि सर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, हाई है। और अगर उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है सो फॉर दैट रीजन उनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, इजी सा था। अब ये यहां गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आपने मिला के रखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुनिया की सबसे आसान चीज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव उठकर जाएगा इस कार्बन के पास में, और जब ये OH नेगेटिव डायरेक्टली इसके पास उठकर गया है तो यहां पर क्या हो रहा है, याद है, यहां पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और स्पेसिफिकली SN2। क्यों, पहले बता के रखा था, देखो कार्बन के साथ में छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से ग्रुप हैं, तो ये कभी भी इस OH ग्रुप को रजिस्ट नहीं कर पाते, तो बैकसाइड अटैक होता है, जिस वजह से इस तरह का कोई हमारे पास में आयन फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट है, ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है। अब इसमें मैंने क्या मिलाया है, फॉर्मेल्डिहाइड को मिलाया, HCHO को। तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलाने से आपको क्या मिला है, एक फॉर्मिक एसिड प्लस एक बेस मिला। अब जरा समझो कि ये कैसे हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप बात करते हो, अच्छा ये वाले की बात करता हूं अभी, ये ऐसा, ये इधर पर ऐसा और ये ऐसा, जब इसको फॉर्मेल्डिहाइड दिखा HC OH और H, तो मैंने क्या बोला था, ये ऑक्सीजन बड़ा ही धोखेबाज होता है, तो ये क्या करता है, पहले तो इस OH ग्रुप को अपने पास बुलाता है, अपने पास बुला के फिर उसको बोलता है कि क्या करना, मेरे साथ में जुड़ जाओ। एक बार जब वो जुड़ गया तो ये वापस से इसको तोड़ देता है। ठीक, वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां पर फेंक देगा। जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर फेंकता है तो पिक्चर में कौन आता है, ये नया वाला फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी अपने पुराने वाले को क्या करता है, फॉलो करता है। तो फॉलो करने की वजह से ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराता है। देखो क्या हो रहा है, ये यहां पर आया और यहां से OH क्या हो गया, अब दोबारा से बाहर हो जाएगा। ठीक है, OH वहां पर बाहर होने पर बात आई, पर अब देखो यहां पर एक नई सिचुएशन आती है इसके सामने। वो नई सिचुएशन क्या है, मैं इस OH को जरा ऐसे लिख देता हूं, O और H ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो जब ये यहां पर आ रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर लेकर बैठा है। आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से K पॉजिटिव पहले ही तोड़ के रखा हुआ है, तो K पॉजिटिव क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। वो आकर अटैक करेगा कहां पे, यहां पे। तो ये देखो ये यहां आएगा, बदले में ये यहां जाएगा, जब ये यहां आएगा तो ये भी बदले में यहां से बाहर निकल जाएगा। जब इतनी सारी चीजें अंदर बाहर हो रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब यहां पर भी धोखेबाजियां चलेंगी तो यहां पर भी क्या होगा, मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो H होगा, यहां से जो पॉजिटिव वाला निकलेगा वो H किसके पास पहुंच जाएगा, यहां ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, क्या ये वापस अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर फेंकेगा और उसी समय पे K पॉजिटिव इसके पास में भी जा रहा है। तो पहली स्टेप तो ये दोनों में सेम हो रही है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये तो क्या बन जाएगा, KO ऐसा हमारे पास में फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अच्छा वैसे पूरा निकलता ही है, ये क्या होता है, पूरा का पूरा हमारे पास में निकल ही जाता है, इसको इस तरह से कंफ्यूज नहीं करते, वरना मैं अगर एक साथ बताऊंगा ना तो तुम लोग को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ो,
एक साथ बताने में यही होता है। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर डायग्राम करके रखता हूं। सी ओ नेगेटिव, एच ऐसा, ओ एच ऐसा और यहां पे एच ऐसा, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब एक और फॉर्मेल्डिहाइड बना देता हूं मैं ऐसा। कई बार ऐसा हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर अंदर ही अंदर घिचड़ पिचड़ हो जाए ना, सब चीजें कहानी बिगड़ जाती है। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, ये धोखेबाज वाला जो रहता है वो वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोवाइड कर देता है। दोबारा से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा तो अब देखो क्या होगा। पहली स्टेप ये हुई जहां पर ये डबल बॉन्ड हुआ। अब यहां वापस अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके पास सिचुएशन अब ऐसी बन गई है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी हाइड्रोजन, इधर आपके पास में OH और इधर H आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, पर देखो यहां तो पांच पांच वैलेंसीज हो गई। अगर यहां पे पांच वैलेंसी हो गई तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, यहां पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यहां पर अगर सैक्रिफाइस करने की बात की जाए तो जरा समझना किस तरह से सैक्रिफाइस किया जा रहा है। यहां पर ऑब्वियस बात है, जब भी सैक्रिफाइस की बात आती है तो सैक्रिफाइस कौन करता है, हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन के सैक्रिफाइस करने की वजह से एक तो आपके पास में यहां बन चुका है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ये जो सैक्रिफाइस करा हुआ हाइड्रोजन था वो किसके पास गया, जो आपने एक्स्ट्रा एल्डिहाइड लिया था ना, इसके पास में जाएगा, इसके पास में जाएगा, इसके पास में जाके ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रखा हुआ था ना, उसको क्या कर देगा, यह ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब देखो कैसे ब्रेक करेगा, जो सेकेंड वाला हमारे पास में एल्डिहाइड था सी ऐसा ऐसा और ऐसा, यहां पे वापस से वही वाला काम होता है, ऑक्सीजन निकलता है धोखेबाज, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब खास बात ये है कि यहां से जब भी हाइड्रोजन बाहर जाता है ना तो नेगेटिविटी बाहर लेकर जाता है। क्यों नेगेटिविटी बाहर लेकर जाता है, ये देखो ऑक्सीजन ने अपनी नेगेटिविटी यहां छोड़ दी, जिस वजह से वो नेगेटिविटी आगे बढ़ के यहां आ जाती है। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलता है, ये बोलता है कार्बन को मैं तुम्हें नेगेटिव नहीं रहने दूंगा, ये नेगेटिविटी लेकर मैं चले जाऊंगा। अगर ये नेगेटिविटी लेकर चले जाता है तो यहां पर क्या होता है, एच नेगेटिव आता है। ये जो एच नेगेटिव आता है वो यहां पे जाता है, यहां पे क्या है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, के पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो आपके पास में जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या मिल जाएगा, सी ओ के, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन एंड इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। ओ एच लिख रहा हूं, ओ के है, क्या है, ओ के पोटेशियम, ये आ गया। तो ये देखो ये दोनों इस तरह से बन जाते हैं। अब आपके पास में एक तो बना है फॉर्मिक एसिड जो कि ये रहा, एक बना है बेस जो कि ये रहा। एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहां से जो आपके पास हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, ये पोटेशियम यहां पर आता है और आपके पास में ये सॉल्ट बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन अपनी जगह चेंज करके कहां चले जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में, और क्या बना देगा, मेथेनॉल बना देगा। तो इस तरह से क्या होती है, कानिजारो रिएक्शन, कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने आपके फॉर्मेल्डिहाइड पर SN2 मैकेनिज्म को करवाया, इस SN2 मैकेनिज्म से आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी, इस इंटरमीडिएट स्टेट में आपने अगेन क्या मिला के रखा है, एक और फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया। पर मैंने क्या बताया कि यहां पर ये जो धोखेबाज ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डालता है इधर पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से यहां पर कार्बन नेगेटिव, कार्बन की नेगेटिविटी लेकर हाइड्रोजन जाता है, ये जो नेगेटिविटी लेकर गया है हाइड्रोजन वो वापस किसके पास आता है, दूसरे वाले फॉर्मेल्डिहाइड के पास में। तो क्या बनाता है ये, इस तरह से एक बेस बनाता है, इससे सॉल्ट बन, एक बनता है एसिड फॉर्मिक एसिड जिससे क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस मिथेनॉल, ये बन रहा है। क्लियर हो गई बात, फटाफट अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम लोगों ने देखा था शुरुआत में ही कि जो ये अल्डोल कंडेंसेशन होता है और जो कानिजारो है इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज निकल कर आई थी। तो अभी हमको वही देखना है कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, या बोला जाए क्या डिफरेंसेस होता है। तो जरा समझिए,
अल्डोल कंडेंसेशन की जब जब भी बात होती है तो अल्डोल कंडेंसेशन किसके द्वारा शो होता है, हमेशा याद रखो जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन शो होता है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या शो करने वाले हैं, कानिजारो रिएक्शन को शो करने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है, दोनों के दोनों हमारे पास एक तरीके से ये कंफर्म करते हैं कि भाई आपने जो लिया है वो एल्डिहाइड है कि नहीं है। अब यहां पर क्या लिया था, डाइल्यूट अल्कलाई मीडियम, इस डाइल्यूट अल्कलाई मीडियम में क्या ले सकते हो, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, जो लेना है लो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। वहीं यहां पर क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाई मीडियम में आप क्या ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में यह डिफरेंस आपके पास में आता है। अब यह क्यों हुआ, ठीक है देखो यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस है, मतलब एसिडिटी गिरी हुई है, तो उसको आपको रिएक्शन करने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा, हल्के फुल्के बेस से काम नहीं चलेगा। पर अगर यहां बात करते हो तो यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब यहां एसिडिटी बनी हुई है, तो जो डाइल्यूटेड बेस होगा वो भी यहां पर अच्छे से काम कर सकता है। अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जब अल्डोल कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, इनल या फिर इनॉन। इनल का मतलब क्या, डबल बॉन्ड अगर आपके पास में अल्डिहाइड के साथ हो तो वो कहलाता है इनल, और डबल बॉन्ड अगर कीटोन के साथ हो तो वो क्या कहलाता है, इनॉन कहलाता है। वहीं अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमने देखा था एक सॉल्ट बना है प्लस अल्कोहल, तो देखो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सॉल्ट देते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होता है एक, और साथ ही साथ में वो अल्कोहल देते हैं जब उनका रिडक्शन होता है वो भी कितना देगा, एक। बोला था ना एक साथ दोनों ही चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखो इसी के रिगार्डिंग रिएक्शन बता के रखी गई है हमारे पास में, दो अल्डिहाइड है और दोनों अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन को वहां रखकर बैठे हुए हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इनल बना, इनल ये देखो ये डबल बॉन्ड और उसके साथ में अल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्या कहलाता है, इनल कहलाता है। जबकि यहां पर क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बेस बन रहा है प्लस एक अल्कोहल का भी मॉलिक्यूल आपके पास में फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात, इजी है, तो बस इसमें इतना ही करना रहता है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, परकिंस रिएक्शन। अच्छा मैंने पहले भी बोल के रखा है ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ये कैटेगरी होती है हमारे पास में नेमिंग रिएक्शन की, ध्यान रखना ये किसकी कैटेगरी होती है हमारे पास में, नेमिंग रिएक्शन की। और नेमिंग रिएक्शन देखो पहले तो क्या होता था, जब मैं एग्जाम देता था, मतलब मैं जब स्कूल पढ़ता था, तो उस टाइम पर जैसे दो मार्क्स का एक क्वेश्चन आया या सपोज चार या पांच मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी ए बी सी पार्ट कर दिए, तो उसमें वो क्या लिख देते थे कि जैसे लिख दिया परकिंस रिएक्शन लिखो, अल्डोल कंडेंसेशन को समझा, वो ऐसा लिख दिया करते थे। बट यहां पर क्या होता है, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, अब डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन ना देते हुए क्या कर देते हैं, रिएक्टेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। रिएक्टेंट दे देंगे बीच में, इस तरह से क्या कर दिया जाता है, सारा आपको रिएजेंट दे दिया जाता है और बोलते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ठीक है, ऐसी कुछ कहानी होती है। तो चलिए देखते हैं, अब देखो परकिंस रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहां पे रिएक्टेंट क्या मिलता है। ये जो पहला पॉइंट है ये बता रहा है कि आपके पास में कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं। तो ये वाला रिएक्टेंट क्या है, ये तो हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड है, इस बेंजाल्डिहाइड के साथ में क्या है, एक एसिटिक एसिड हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक एसिड बोल रहा हूं, एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। देखो ये एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहां है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी क्या है CH3, एंड सिमिलर सिचुएशन आपको मिलेगी यहां पर भी, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। अब देखो खासियत क्या दिखाई दे रही है, दोनों तरफ
ये सिमिलर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और बीच में क्या है, ऑक्सीजन ने ऐसा ईथर वाला लिंकेज करके रखा हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों कंपाउंड को लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें रिएक्टेंट यूज किए, सॉरी रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो रिएजेंट आपके पास में क्या होता है, सोडियम एसिटेट हो जाएगा प्लस हीट, डेल्टा का साइन है मतलब हीट करना, प्लस वाटर। जब इन तीनों को आप यहां पर एज अ रिएजेंट यूज करोगे तो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड में क्या बन के रखा हुआ है, यहां दिखाई दे रहा है, इस बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH, मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड तो है साथ ही साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी डायरेक्टली उस जगह से जुड़ा है जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो अब इसकी जनरल रिएक्शन क्या बोलती है, बेंजाल्डिहाइड प्लस जो एसिड एनहाइड्राइड आपके पास प्रेजेंट है, इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट करते हो, पहली स्टेप में आप क्या मिलाते हो यहां, सोडियम एसिटेट, ठीक है, फिर क्या मिलाते हो आप, हीट करते हो, फिर लास्ट में उसमें मिलाते हो वाटर, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है सिनेमिक एसिड। ये जनरल इक्वेशन है, अभी मैकेनिज्म भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैकेनिज्म प्रॉपर करते हुए आता है ना तो सारी कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। अब जरा इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक, इसे इरेज कर दिया जाए। इरेज करके जरा इसका मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म के अंदर क्या होने वाला है समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं हमारा बेंजाल्डिहाइड, ये ऐसा ऐसा, यहां पर ये और यहां पर ये। अब देखो यहां पर मैंने बोला है कार्बोनाइल ग्रुप, दो के बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ाएगा, साथ ही साथ इस कार्बन पे पॉजिटिविटी भी लेकर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, जो आपने यहां पर एसिड एनहाइड्राइड लेकर रखा हुआ था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको ऐसा कर देते हैं CH3। अब हमारा सबसे पहला रिएजेंट काम आता है, दैट इज CH3 C डबल O Na, जिसको हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं। अब देखो ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया क्या है हमारे पास में नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी क्या होती है जरा समझना। अगर मैं सपोज इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, ऐसा और ऐसा, तो देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जो कि है कीटोन, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, या और देखो अच्छे से बोला जाए तो ये पूरा ही फंक्शनल ग्रुप है, उतना क्यों बोलना, ये कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, और साथ ही साथ में उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और हमने क्या बोल के रखा हुआ था कि जो आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हाईली एसिडिक, और इनके हाईली एसिडिक होने के कारण ये क्या करते हैं, बहुत इजीली H पॉजिटिव देते हैं। तो देखो H पॉजिटिव देने की कहानी क्या होगी, ये जो हाइड्रोजन होगा अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा और यहां से क्या होगा, H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये H पॉजिटिव के रूप में अगर बाहर निकला तो देखो सभी के सभी चीजें इनको यही दिखाई दे रही है, ये H पॉजिटिव ग्रुप में बाहर निकलेगा और बाहर निकल के सीधा किसको अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, बचा हुआ जो ये पार्ट है वो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल, और देखो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां पे पॉजिटिविटी हो, तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल आके कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। यहां पे जो आपके पास सोडियम एसिटेट था उसने इस एसिडिक हाइड्रोजन का फायदा उठाया, H पॉजिटिव को रिलीज करवाया, H पॉजिटिव को रिलीज करवा के वो इसे यहां पर लेकर आया और यहां पर ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब देखो जरा बढ़ते हैं आगे, मैं थोड़ा है ना इसको ऐसा बना देता हूं तो यहां पर क्या होगी, जगह मेरे पास में थोड़ी सी अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो ये यहां पर आया। अब देखो अगली सिचुएशन क्या बनी, जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो आपस में रिएक्शन करने की वजह से
यहां कंपोजिशन आपको अब कुछ ऐसी मिल गई, सी एच ऊपर मिल गया मुझे OH, और साथ ही साथ यहां पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ऐसा मिल गया। अब देखो ये अगेन क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा अल्फा, और उसके नेक्स्ट टू वाला क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा बीटा। अब देखो यहां पर क्या किया जा रहा है, सेकंड चीज हमने क्या बोला था, इसको हीट कर दो, गर्म कर दो। तो देखो जैसे ही आप यहां पर इसको हीट करोगे, हीट करने पर क्या हो जाएगा यहां पे डिहाइड्रेशन होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है डिहाइड्रेशन, और जो ये डिहाइड्रेशन होता है इसमें क्या होगा वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। पर ध्यान रखना यहां पर जो डिहाइड्रेशन परफॉर्म हो रहा है वो किससे परफॉर्म हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से परफॉर्म होता है। अब देखो ये क्या चीज हुई, नहीं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि जो ये CH2 है ना, इसको मैं अब थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे नीचे लटका देता हूं। तो याद करो एलिमिनेशन वाली प्रोसेस में हमने क्या बोला था, एलिमिनेशन वाली प्रोसेस में एक तो आपके पास ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में ये OH भी जाएगा। जब ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो बाहर निकलकर क्या करते हैं, ये दोनों बना लेते हैं H2O, ये लो H2O बाहर चले गया। H2O बाहर जाने के बाद में आपके पास में अब कंपाउंड कैसा बना, ये रहा हमारे पास में, अच्छा ये वाला पोर्शन सेपरेट है, हाँ ये वाला क्या है हमारे पास में एक सेपरेट पोर्शन है, इसको मैं अलग कर देता हूं, ऐसा 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 इसको मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास में क्या बनता है, यहां हमारे पास बनेगा बेंजीन, बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख देते हो, पीएच लिख देते हो, फिनाइल ग्रुप लिख दोगे, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास में सी एच डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा हमारे पास में क्या सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, देन उसके बाद में आएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री, ये दूसरा हमने क्या कर दिया उसको हीट कर दिया। तीसरे पॉइंट पर हम क्या मिलाते हैं, यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल यहां ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो ये भी बड़ी आसान सी चीज हो जाएगी, वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड होगा जरा समझना, वाटर के मॉलिक्यूल को आप ऐसा ऐड करना, यहां पर आप करोगे ऐड एच ओ H, ठीक है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर ये हिस्सा नेगेटिव होने वाला है तो इसका कार्बन जो होगा ये क्या होने वाला है पॉजिटिव, यहां से कर दो बॉन्ड ब्रेक। तो जैसे ही आपने बॉन्ड ब्रेक करा तो आपको क्या सिचुएशन मिल जाएगी, एक तो मिलेगा वही बेंजीन, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और साथ ही साथ में क्या मिल जाएगा सी एच डबल बॉन्ड हमारे पास आएगा सी एच, फिर उसके बाद में आएगा सी ओ ओ एच, ठीक है, एक ये बन गया और यहां पर OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O और OH। ये देखो एक तो बन गया इथेनॉइक एसिड और जस्ट एक अभी बात कर रहा था सिनेमिक एसिड, तो यहां पर ये दोनों चीजें बन गई, तो इसका भी नाम लिख देते हैं। ये पहला वाला क्या है, ये बना है मेरे पास में सिनेमिक एसिड, ठीक है, ये क्या बना सिनेमिक एसिड, और ये क्या बन गया हमारे पास में दो कार्बन है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा इथेनॉइक एसिड। तो लीजिए ये हो गई हमारे पास में परकिन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, क्लियर हो गई बात, एक बार दोबारा समझ लो, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना यहां पे क्या कहानी हुई है। आपके पास में हमने बोला बेंजाल्डिहाइड था जिसमें धोखेबाज ऑक्सीजन रखा हुआ है जो कुछ समय के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और उसके बाद दोबारा फेंक देता है, तो अभी पहले इसने खींचा जिस वजह से इस पर नेगेटिविटी आई और इस पर क्या आ गई पॉजिटिविटी आ गई। अब उसके बाद में काम किसका चालू होता है, इस एसिड एनहाइड्राइड का काम शुरू होता है जहां पर यह पूरा फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन, क्लियर हो गई बात। ये देखो
अगर ये अल्फा है तो उसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाईली एसिडिक। तो इसका मतलब इनका नेचर कैसा होता है, एच पॉजिटिव रिलीज करना। ये एच पॉजिटिव रिलीज करता है, साथ ही साथ आपके पास में क्या है, हमारे पास ये सोडियम एसिटेट भी रखा हुआ है। सोडियम एसिटेट क्या करता है, अपने इस नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको बार बार पोक करता है कि एच पॉजिटिव बाहर आओ। जैसे ये एच पॉजिटिव बाहर आता है तो इसको सीधा सीधा ये ऑक्सीजन निगल जाएगा और OH बनाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहां से अगर हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़ देता है, तो ऐसा कुछ ग्रुप बन जाता है जो कि आपके पास में क्या बन रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। ये जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो डायरेक्टली किसके पास में जाके अटैच होता है, ये देखो, ये वाला न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच हुआ है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि वो कार्बन में नेचर कैसा हो गया था, पॉजिटिव। अब यहां पर इस तरह का कुछ कंपाउंड बना, पहला काम हो चुका है सोडियम एसिटेट का। फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करके डिहाइड्रेशन करते हैं, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा सा निकाला OH, अल्फा से क्या निकाला हमने, H निकाल दिया। तो यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तीसरी स्टेप में हमने क्या करके रखा है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलाया। वाटर कुछ ऐसे जाएगा, दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर OH जुड़ जाएगा, इधर OH बनेगा, इधर भी OH बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, सिनेमिक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड। तो ये हो गई हमारे पास में क्या, परकिन रिएक्शन कंप्लीट। ठीक, अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हां जी, तो अब इस रिएक्शन के साथ साथ ही हमारा अल्डिहाइड और कीटोन हो चुका है ओवर, पर कृपया शांति बनाए रखें, अल्डिहाइड और कीटोन ओवर हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बाकी है, अभी वो भी करना है। अभी आपका जो ये अल्डिहाइड कीटोन हुआ, यहां पर पूरा जब एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो एनसीईआरटी का सारा टॉपिक हमने यहां पे कवर कर लिया अल्डिहाइड और कीटोन वाला। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, वो भी हम लोग फटाफट अगले चैप्टर से पढ़ना, मतलब अगले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो फिर क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज, और उसके बाद में आपको दी जाएगी छोटी सी इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को देने से पहले फटाफट से, अगर वीडियो देख लिया तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये तो कर ही दो। और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन ये है कि फटाफट जाओ magnetbrains.com की जो ऑफिशियल साइट है, वहां पे अगर अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो जल्दी से कर दो रजिस्टर। इस तरह के इंटरफेस में अगर आप क्लास 12 से हो तो क्लास 12 को देखो ऐसे सिलेक्ट करके रखा है, ये क्लास 12 सिलेक्ट करा, तो सिलेक्ट करने पर क्या होगा, आपके पास में जितनी भी फैकल्टीज होती हैं जो क्लास 12 के रिगार्डिंग आपको यहां पर लेक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, वॉच नाउ पे करना है क्लिक। जैसे ही आपने यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करा तो आपके पास में क्या होगा, ये पूरा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि मेरे द्वारा बनाए गए फुल चैप्टर वीडियोस भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, वन शॉट रिवीजन भी मिलने वाला है, और 100 एमसीक्यू की एक सीरीज भी मिलने वाली जो बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो बस इतना सही रहता है। ठीक, और अभी भी यहां पर बने हुए हो तो जो चीज पहले बोली और अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक करो, नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर दो, और जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रिएजेंट की तरह काम करता है जो आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए हेल्पफुल रहेगा हमेशा। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आप एक स्टेबल प्रोडक्ट बने और साथ ही साथ आपके दोस्त भी एक स्टेबल प्रोडक्ट बने, तो फटाफट से क्या करोगे, उनके साथ करोगे शेयर इस वीडियो को। ठीक, तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।